गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास। जबकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था थेसोरस के बारे में। थेसोरस में हम लोग किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आसानी से जान सकते थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे थेसोरस को कैसे हम लोग लैब एक्टिविटी में इसका यूज करेंगे और लैब एक्टिविटी के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो आप इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम पे, ओके। नेक्स्ट आप जाएंगे एमएस ऑफिस, उसके बाद आप आएंगे एमएस वर्ड, क्योंकि यह फीचर हमारा एमएस वर्ड में ही है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक सेंटेंस टाइप करेंगे, या अगर आप सेंटेंस नहीं टाइप करते हैं, कोई वर्ड टाइप करना चाहते हैं तो कोई वर्ड टाइप करते हैं। तो जैसे मैंने टाइप किया गुड, ठीक है। अब इस गुड को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे रिव्यू बटन में। रिव्यू बटन कहाँ है, मेनू बार में देखिए, ऊपर में ये हमारा रिव्यू बटन है। उसके बाद रिव्यू बटन के बाद हम लोग थेसोरस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारे साइड में एक बॉक्स खुल के आया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा गुड का बहुत सारा मीनिंग दिया हुआ है। आप देखिए, इसमें डिसेंट है, मोरल है, अपराइट है, इस तरह के कई वर्ड मीनिंग हमारे इस बॉक्स में दिए हुए हैं। और देखें यहाँ एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। एंटोनिम्स जो हमारा है वह क्या होगा, पुअर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लैब एक्टिविटी में थेसोरस के बारे में जाना।